हे हाय गाइस वेलकम बैक सो कमेंट बॉक्स में मुझे एक और क्वेश्चन मिला है एंड द क्वेश्चन इज अल्टरनेट द केस ऑफ ईच लेटर इन अ गिवन स्ट्रिंग एंड द फर्स्ट लेटर मस्ट बी अपर केस चलिए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं सो दिस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट अल्टरनेट द केस ऑफ ईच लेटर इन अ गिवन स्ट्रिंग एंड द फर्स्ट लेटर मस्ट बी अपर केस सो यस टी आर वन एक स्ट्रिंग है एंड ये एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है मेरा ये सैम्पल इनपुट है आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं मैं एक और स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा एस टी आर टू विच इज containing स्ट्रिंग कंटेनिंग नथिंग एस टी आर टू हमारा आउटपुट कंटेन करेगा ये नई स्ट्रिंग मैंने क्रिएट की क्योंकि आप एस टी आर वन में चेंजेस नहीं कर सकते स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है सो so, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते सो so, जो भी मेरा अपडेटेड आउटपुट रहेगा वो मैं यस टी आर टू में रखूंगा मैं हर एक कैरेक्टर को विजिट करूंगा अगर कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर है तो उसे मैं अपर केस बनाऊंगा एंड बाकी कैरेक्टर्स का केस मैं स्वैप करूंगा सो so, विजिट करने के लिए मैं फॉर लूप और वाइल लूप का यूज कर सकता हूं लेकिन मुझे यहां पे फर्स्ट कैरेक्टर भी चेक करना है जिसका इंडेक्स है जीरो तो यहां पे वाइल लूप का यूज करना सही रहेगा सो वाइल्ड लूप का मैं यूज करूंगा क्योंकि उसमें हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं सो so, आय मेरा इंडेक्स है एंड ये स्टार्ट होगा फ्रॉम देन मैं वाइल्ड लूप चलाऊंगा वाइल्ड आई इज लेस देन आई को एक से इंक्रीमेंट करूंगा बाय यूजिंग वाइल लूप हम हर एक कैरेक्टर को विजिट करेंगे सो फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है इसका कंडीशन होगा अगर आई इक्वल टू जीरो है तो सो so यहां पे मैं लिखूंगा इफ आई इक्वल टू जीरो है तो ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है फर्स्ट कैरेक्टर को मुझे अपर केस में रखना है अपर नाम की एक मेथड है स्ट्रिंग की मैं डायरेक्टली इसका यूज कर सकता हूं सो so, जो भी कैरेक्टर आएगा यश टी आर वन ऑफ आई मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर इसको अपर केस में मैं कन्वर्ट करूंगा एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसे मैं अटैच कर दूंगा और कॉन्केटनेट कर दूंगा टू यस टी आर टू एंड रीअसाइन करूंगा टू यस टी आर टू सो यस कैरेक्टर आएगा अपर केस में कन्वर्ट होगा एंड यस टी आर टू को अटैच होगा लाइक like दिस देन यहां से यहां तक मुझे केस स्वैप करना है एंड इसके लिए स्वैप केस नाम का एक बिल्ट इन मेथड है स्ट्रिंग का वो हम यहां पे यूज कर सकते हैं अगर फर्स्ट कैरेक्टर नहीं है तो मीन्स एल्स में जो भी कैरेक्टर होगा यश टी आर वन ऑफ आई सपोज सेकेंड इंडेक्स का कैरेक्टर आता है विच इज नथिंग बट ए देन ए का हम केस स्वैप करेंगे उसके लिए स्वैप केस नाम की मेथड है जस्ट कॉल इट एंड यश टी आर टू में जो भी रिजल्ट होगा वो अटैच कर दो कॉन्केटनेट कर दो एंड रीअसाइन टू दी आर टू एंड दैट गाइज अगर आप प्रिंट करोगे एस टी आर टू तो आपको डिजायर आउटपुट प्रिंट करके मिलेगा सो so, रन करता हूं मैं पाए सोल्यूशन डॉट पाए हिट एंडर एंड यू कैन सी गाइज फर्स्ट कैरेक्टर इज अपर केस एंड बाकी कैरेक्टर का केस स्वैप हुआ है अब सपोज आपको स्ट्रिंग का मेथड यूज करने की परमिशन नहीं है इस केस में आप आज की वैल्यूज के थ्रू ये अचीव कर सकते हैं सो so आज की वैल्यूज के लिए हम ओ आर डी एंड सी एच आर फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ फंक एंड ये जो एस टी आर वन है मैं इसे एज अ पैरामीटर देता हूँ इसमें पास लिखता हूँ एंड इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड इस फंक्शन में यस टी आर वन में पास करूंगा इनिशलाइज करता हूँ यश टी आर टू को विथ नल सो यस टी आर वन का जो फर्स्ट कैरेक्टर है मैं उसे फेज करूंगा उसे अपर केस में कन्वर्ट करूंगा एंड देन स्लाइसिंग का यूज करके यहां से यहां तक मैं इटरेट करूंगा एंड केसेस को स्वैप करूंगा बाय यूजिंग ओ आर डी एंड सी एच आर फंक्शन सो यस टी आर वन ऑफ जीरो इससे मुझे मिल जाएगा फर्स्ट कैरेक्टर एंड इसका जो भी आंस की वैल्यू होता है इसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं ए एस सी

मीन्स ये एक लोअर केस कैरेक्टर है अगर लोअर केस कैरेक्टर है तो हमें थर्टी टू माइनस करना पड़ता है इसके आस की वैल्यूज में से ताकि हमें इसका अपर केस मिले लाइक like, सपोज मेरे पास कैपिटल ए है तो इसका आस की वैल्यू सिक्सटी फाइव है लोअर केस ए है तो इसका आस की वैल्यू 97 सेवन है इनमें डिफरेंस थर्टी टू का है सपोज मुझे इस ए को इस ए में कन्वर्ट करना है वॉट आई विल डू आई विल माइनस थर्टी टू एंड आई विल गेट सिक्सटी फाइव एंड देन में सी एच आर फंक्शन लगाऊंगा इस सिक्सटी फाइव के ऊपर एंड मुझे मिल जाएगा कैपिटल ए अपर केस ए सो सेम यहां पर मैं करूंगा सो so, जो भी आज की वैल्यू है उसमें से थर्टी टू माइनस कर दो एंड देन इसका कैरेक्टर निकालो सो वॉट एवर द कैरेक्टर अटैच इट टू दस टी आर टू एंड रीअसाइन टू यस टी आर टू अगर कैरेक्टर अपर केस में है मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इस केस में जो भी कैरेक्टर है उसे डायरेक्टली अटैच कर दो यस टी आर टू के साथ यस टी आर टू प्लस यस टी आर वन ऑफ जीरो विदाउट मॉडिफाइंग आपने डायरेक्टली उस कैरेक्टर को अटैच कर दिया टू यस टी आर टू अब हमें इटरेट करना है फ्रॉम हियर टू हियर एक एक कैरेक्टर को हम विजिट करेंगे बाय यूजिंग फॉर लूप फॉर एवरी कैरेक्टर इन यी आर वन ऑफ वन अंटिल एंड मीन यहां से एंड तक अकॉर्डिंग टू द स्लाइसिंग रूल एक एक कैरेक्टर इसमें आएगा सबसे पहले ये एच आएगा तो हम चेक करेंगे कि क्या यह लोअर केस है या अपर केस है सो so, हम लोअर केस है कि नहीं चेक करेंगे अगर लोअर केस होता है तो अपर केस में कन्वर्ट करेंगे और अगर अपर केस होता है तो लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे सो so, इसके लिए कंडीशन है इफ ओ आर डी ऑफ सी एच मीन्स जो भी कैरेक्टर आएगा उसका आज की वैल्यू इफ इट इज इन रेंज नाइन्टी सेवन टू ओ डी ऑफ सी एच इज लेस देन और इक्वल टू वन ट्वेंटी टू होता है मीन्स इट इज अ लोअर केस सो अगर लोअर केस हुआ तो इस केस में हमें क्या करना है माइनस करना है थर्टी टू सो ओ आर डी ऑफ सी एच इसमें से माइनस कर देंगे हम थर्टी टू एंड इसे पुट करेंगे सी एच आर फंक्शन के अंदर जो भी कैरेक्टर आएगा उसे एस टी आर टू के साथ अटैच कर देंगे एंड रीअसाइन करेंगे to else, else means अब ये कैरेक्टर अपर केस में है कंसिडर करते हैं कि इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स है नहीं तो हमें थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा यहां पे भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी एल्सिप देके सो कंसिडर करते हैं कि इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स है अगर इसमें डिजिट्स है तो आपको यहां पे अपर केस के लिए कंडीशन लेनी देनी पड़ेगी एल सी का यूज करके तो मैं एल सी यूज करता हूं सो so, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई मीन्स कैरेक्टर अपर केस में है अपर केस में है तो लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए थर्टी टू एड करना पड़ेगा सो ओ आर डी ऑफ सी एच इसमें प्लस कर दो थर्टी टू एंड देन इसका कैरेक्टर फाइंड करो एंड अटैच इट टू दस टी आर टू

आई होप गईज आपको यह वीडियो पसंद आया होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम